25 जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी को भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ आपातकाल दिवस के रूप में मनाती है। आज इसी अवसर पर सुजालपुर नगर समस्त मीसा बंदियों को स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार द्वारा सम्मानित किया गया। बताया जाता है कि उस समय जनसंघ एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को बिना किसी अपराध के जेलों में बंद किया गया था। सुजालपुर क्षेत्र में ऐसे कई मीसा बंदी हैं जो उस समय आपातकाल का शिकार हुए थे। आज मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने समस्त मीसा बंदी एवं उनके परिवारजनों को शाल श्रीफल देकर सम्मानित किया। मीसा बंदियों ने भी भारतीय जनता पार्टी एवं स्कूल शिक्षा मंत्री का आभार जताया है। सुजालपुर से ब्रज राठौड़ की रिपोर्ट। और विषय ये हमारी वैचारिक यात्रा है। वैसे तो वैचारिक यात्रा सन 1925 से प्रारंभ हुई देश में, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर केशवराव बलिराव हेगड़े ने की। लोग ये शिकायत करते हैं कि जो वर्तमान पीढ़ी है इनको मालूम ही नहीं कि आपातकाल क्या था। पार्टी के कार्यक्रम होते हैं उसमें मीसाबंदियों को बुलाया नहीं जाता है, उनका सम्मान नहीं किया जाता है, उनका मार्गदर्शन नहीं लिया जाता है। परंतु ये शिकायत सुजालपुर विधानसभा में नहीं है, ये तो आज कार्यक्रम आयोजित किया। चिंता किए, मैंने केवल एक विषय बताया, एक विषय और तो थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो आवास योजना प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरा गरीब, हम तो पक्के मकान में रहते हैं, हम सब लगभग पक्के मकान में रहते हैं, लेकिन जो फूस की टापरी में रहता है अगर बारिश आती है और पानी गिरता है तो कैसे सोता होगा। मैं अभी वर्तमान में जहाँ घर में रहता हूँ पास में मस्जिद रखे, इसके लेकर आप स्कूल शिक्षा मंत्री इसको सिलेबस में लाना चाहिए। चाहे 1857 का हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे 15 अगस्त 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ हो, देश में जब जब ऊंचाइयों को छूने का काम, परिवर्तन का काम किया है, उन सबको इतिहास के पन्नों पर भावी पीढ़ी को बताने का इतिहास यही काम करता है। और आपातकाल की विशेषता है ये भी किताबों के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को मालूम पड़ना चाहिए, इसलिए सिलेबस का ये भी विषय हो सकता है। इस प्रकार से कोरोना काल में भारत के लोगों पर जो संकट आया था और देश के लोगों ने उस संकट से उभरे हैं, तो इतिहास के पन्नों पर तो कोरोना का संघर्ष और उससे निपटने की पद्धति पर भी इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो इतिहास में सही तथ्य है उन तथ्यों को जनता के सामने, समाज के सामने आने वाली पीढ़ी को हमेशा स्मरण करने के लिए लिखा ही जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मंच से विश्व गुरु का भी आह्वान करती है, किस तरह से विश्व गुरु की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, भारत तो विश्व गुरु था, लेकिन आक्रमणों के कारण से, गुलामी के कालखंडों के कारण से हम जो पीछे गए हैं, पुनः भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के निर्माण से ही है, हमारे वैचारिक अधिष्ठान का है। और इसलिए 2047 के पहले भारत विश्व गुरु बनेगा, दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला देश बनेगा, अपनी मातृभाषा में, अपनी संस्कृति के आधार पर, अपनी मिट्टी के आधार पर और अपने शौर्य पराक्रम का जो इतिहास है उससे प्रेरणा लेकर के भारत शक्तिशाली भारत बनेगा, वो दुनिया का केंद्र भारत होगा। आज ही हम जब देखते हैं भारत की चर्चा विश्व मंच पर होती है, आज सख्ती से शक्तिशाली देश भारत से दोस्ती करना चाहते हैं, हमारा उस ओर बढ़ाया हुआ कदम ये स्पष्ट रूप से दिखता है, शक्तिशाली भारत का चित्र हमको दिखा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।